अली मोटर में आज आपका स्वागत है। आज आप बात करने वाले हैं होंडा एमेज के बारे में, जो कि इसके फ्रंट सस्पेंशन की प्रॉब्लम थी और गाड़ी नॉइज़ कर रही थी और नॉइज़ के साथ साथ टायर भी खा रही थी, जिसके चलते हुए अभी हमने इसके रियर बुश खोले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है, जो कि बुश पूरी तरीके से डैमेज हो रखे हैं, जिसके चलते हुए गाड़ी के अंदर नॉइज़ थी। सर्विस रोड पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही थी गाड़ी पीछे से। और अभी इसके साथ साथ हमने इसके शॉकर भी चेक किए हैं, शॉकर इसके ओके हैं। अभी हम इसकी बुश रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, होंडा एमएज के रियर सस्पेंशन, जो कि नॉइस की प्रॉब्लम थी और टायर खा रही थी। तो ये गाड़ी है इसकी, तो देखना फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें ये शॉकर भी चेंज करना पड़ेगा हमें रिप्लेसमेंट। शॉकर ठीक है देखने में, बट ये क्या है, लीकिंग हो रखी है, यानी कि शॉकर लीक हो गया तो ये चलेगा नहीं। और हमें इसका रोग ख़त्म करने के लिए शॉकर भी हमें रिप्लेसमेंट करना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बनी रहिए इसी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।